नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर अनुपम घोष। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं या रिजुविनेट कर सकते हैं बिना किसी डिटॉक्स डाइट के। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक डिटॉक्स डाइट पे एक वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि आपको कोई भी डिटॉक्स डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपका शरीर में काफ़ी ऑर्गेन्स है, जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, स्किन हो गया, ये सारे चीज़ जो है ये आपके बॉडी खुद ही डिटॉक्सिफाई करता रहता है आपके बॉडी को, तो आपको अलग से कोई डिटॉक्स डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, कैसे अपने बॉडी को रिजुविनेट कर सकते हैं, कैसे आप कुछ लाइफस्टाइल चेंज अगर आप करेंगे तो उससे आपके जो ऑर्गेन्स है वो और बेहतरीन काम करेगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि लीवर जो है आपका सबसे बड़ा दोस्त है, और लीवर का रोल है कि आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करे और जितने भी टॉक्सिन्स है उसको शरीर से बाहर निकाले। तो दोस्तों सबसे पहले जो आप लोगों को अपने लाइफ में तब्दीली लाना चाहिए वो है अल्कोहल को आप लिमिट करिए या फिर कम्प्लीटली बंद कर दीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, क्योंकि अल्कोहल जब भी आप कंज्यूम करते हैं तो आपके शरीर में एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड ये एक टॉक्सिन है, और एसिटाल्डिहाइड जब आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो आपके लीवर जो है इसको कन्वर्ट करके एसिटेट में कन्वर्ट करता है जो कि हार्मलेस होता है, और इसी तरह आपके बॉडी से इसको निकाल देता है। तो दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो आपके लीवर डैमेज होने का चांसेस रहता है, और अगर आपका लीवर डैमेज हो गया तो ये प्रोसेस जो है ये रुक जाता है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लेमेशंस होते हैं उसके कारण जो आपका लीवर है वो ठीक तरह से इस टॉक्सिन को कन्वर्ट नहीं कर सकता है और आपके शरीर से निकाल नहीं सकता है। तो इसीलिए अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल की क्वांटिटी लिमिट कर दीजिए। दोस्तों वैसे तो काफ़ी स्टडीज़ ये कहता है कि थोड़ा मोड़ा अगर आप दारू पीते हैं तो वो आपके दिल के लिए अच्छा होता है, और बहुत सारे स्टडीज़ ने ये रिकमेंड किया है कि वुमेन में एक ड्रिंक अलाउड है और मैन में दो ड्रिंक अलाउड है पूरे दिन में। तो अगर आप उतना कंज्यूम करते हैं वो आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोग दारू कभी पिए नहीं हैं तो फिर दारू पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में अगर आप दारू लेंगे तो आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोग दारू कभी आज तक पिए नहीं है तो प्लीज़ इसको छूना भी मत, और जो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि वो क्योंकि इमीडिएटली छोड़ेंगे तो उनको विड्रॉल इफ़ेक्ट हो सकता है, तो इसलिए वो धीरे धीरे करके छोड़ के और एक या दो ड्रिंक पूरे दिन में अगर वो ले तो फिर भी उतना हानिकारक नहीं रहेगा। दूसरा जो है आपका स्लीप जो है उसको ठीक करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग ठीक से सोते नहीं हैं, सोते भी हैं तो बहुत लेट से सोते हैं, क्वालिटी स्लीप नहीं है, स्लीप पे फोकस नहीं करते हैं, दिन में सोते हैं रात को जगते हैं, तो इस तरह से उनके स्लीप पैटर्न जो है बहुत ही डिस्टर्ब रहता है, और जब भी आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो आपके बॉडी जो है ठीक तरह से डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक तरह से आपके बॉडी को क्लींस नहीं कर पाएगा, एक नेचुरल सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपके शरीर में ही एकुमुलेट हो जाता है, आपके शरीर में ही रह जाता है, वो ठीक तरह से निकल नहीं पाता है, और उनमें से एक बाई प्रोडक्ट जो है उसका नाम है बीटा एमाइलॉइड। बीटा एमाइलॉइड जो है अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये देखा गया है कि वो अल्जाइमर्स डिजीज़ में तब्दीली हो सकता है। तो दोस्तों एक अच्छी नींद लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ कम से कम 6 घंटे से लेके 8 घंटे तक ज़रूर सोइए, एक क्वालिटी नींद लेना,
बहुत जरूरी है। आजकल हम ज्यादातर टाइम या तो टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल पे सर्फिंग करते रहते हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारे चीज़ हम बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ करने लगे हैं, जिसके कारण मोबाइल में जो ब्लू लाइट होता है वो आपके स्लीप को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप लोग 8-9 बजे के बाद मोबाइल फ़ोन टीवी वगैरह इस्तेमाल ना करें। 9 बजे एक रूटीन बना लीजिए कि 9 बजे शार्प टीवी बंद, मोबाइल बंद, ताकि 1-2 घंटे के अंदर आप सो सकें। शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, अगर आप ठीक तरह से सोते नहीं हैं तो ये बहुत सारे और बीमारियों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि type 2 diabetes हो गया, या फिर दिल का बीमारी हो गया, या मोटापा हो गया, या आपको एंजाइटी भी हो सकता है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो प्लीज़ अपने स्लीप पे कंसंट्रेट करिए, ये आपके बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करेगा। तीसरा जो है, आपको सही मात्रा में पानी पीना चाहिए। अगर आप सही मात्रा में रोज़ पानी पियेंगे तो आपके बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट हो जाएंगे। अगर आप ठीक तरह से पानी नहीं पियेंगे तो आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। बॉडी डिहाइड्रेशन के कारण आपको बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो इसीलिए रोज़ ठीक ठाक आपको पानी पीना चाहिए। कितना पानी एक दिन में पीना चाहिए, इस सवाल का जवाब मैंने एक और वीडियो में दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक दिन में आप लोगों को कितना पानी पीना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग राय देते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि 4 लीटर पानी पीना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे 5 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया कि आप लोगों को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए। चौथा जो है, आप लोगों को शुगर का कंजम्पशन और प्रोसेस्ड फूड एंड पैकेज्ड फूड उसको बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। अगर आप लोग अभी भी ये प्रोसेस्ड फूड और पैकेज फूड खा रहे हैं तो ये आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, और जिसके कारण आपके जो बॉडी का एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म है उसको वो रोक देता है, और उसके कारण आपका बॉडी ठीक तरह से डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है। तो इसीलिए आपको शुगर का इंटेक बिल्कुल भी कम कर देना चाहिए, और प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड अगर आप लोग लेते हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए। बहुत सारे स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जब भी आप शुगर इंटेक बहुत हाई मात्रा में करते हैं या फिर प्रोसेस्ड फूड या पैकेज्ड फूड खाते हैं तो उसके कारण बहुत सारे बीमारी होते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ओबिसिटी हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया। तो इस तरह से सारे बीमारियों का जड़ जो है वो प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड और शुगर है। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सारे चीज़ इमीडिएटली बंद कर दीजिए। शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, आजकल फैटी लीवर डिजीज़ बहुत कॉमन है, और यंग लोगों में मैंने देखा है कि उनको फैटी लीवर डिजीज़ हो जाता है। और फैटी लीवर डिजीज़ होने का कारण ही यही है कि आप लोग जब बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स या शुगरी आइटम अगर आप लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसके वजह से फैटी लीवर डिजीज़ होने का पूरा चांस रहता है। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि आपका लीवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, और अगर आप लोगों को फैटी लीवर हो गया तो ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, वो रुक जाता है, और उसके कारण आपको बहुत सारा और बीमारी हो सकता है। तो आप लोगों को ये प्रोसेस फूड और पैकेज फूड अगर बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या? तो देखिए, आप लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं बहुत सारे वेजिटेबल्स से, बहुत सारे फ्रूट्स से, तो उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स मिलेगा, और विटामिन्स और मिनरल्स आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, आपके और बॉडी मैकेनिज्म को ठीक से रखता है। तो इसीलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को रिप्लेस करिए प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड। अगला है, वैसे खाने का चीज़ आपको डाइट में आपका इंक्लूड होना चाहिए जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और आपको कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन वो क्या करते हैं कि नेचुरल सोर्स से एंटीऑक्सीडेंट ना लेके वो एक सप्लीमेंट लेने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि सप्लीमेंट से एंटीऑक्सीडेंट लेने की कोशिश ना करें। एंटीऑक्सीडेंट नेचुरल सोर्सेस में पाए जाते हैं, तो प्लीज़ एंटीऑक्सीडेंट्स आप लोग अपने डाइट में इस्तेमाल करिए।
आपके बॉडी में जब भी आप स्मोकिंग करते हैं या पॉल्यूटेंट्स आपके शरीर में जाता है या कुछ खाने में भी ऐसे इस तरह के बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स मिला हुआ रहता है जो आपके बॉडी में जाके फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। तो जब भी आप सही मात्रा में आपके डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स आप इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा, उस फ्री रेडिकल को आपके बॉडी से निकालने में मदद करेगा। सो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम, ये सारे चीज़ जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। ये आप लोगों को बेरीज में मिल जाएंगे, बहुत सारे फलों में मिल जाएंगे, नट्स में मिल जाएंगे, सब्जियों में ये सारे चीज़ आप लोगों को मिलेगा, बहुत सारे स्पाइसेस है उसमें भी आप लोगों को ये सारे एंटीऑक्सीडेंट जो है मिल जाएंगे। अगर आप कॉफ़ी या ग्रीन टी लेते हैं तो उसमें भी बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ये सारे चीज़ लीजिए तो आपको सही मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएंगे। अगला है सॉल्ट इनटेक को आप लोग रेस्ट्रिक्ट करिए। अगर आप पैकेज फूड, प्रोसेस फूड खाते हैं तो उसमें बहुत मात्रा में सॉल्ट होता है, तो ऑब्वियसली अगर आप लोग वो चीज़ कम कर देंगे तो आपका सॉल्ट इनटेक अपने आप कम हो जाएगा। और अगर आप लोग वैसे भी सॉल्ट बहुत ज़्यादा खाते हैं तो प्लीज़ सॉल्ट को रेस्ट्रिक्ट करिए, सॉल्ट को कम खाइए, क्योंकि सॉल्ट का काम जो होता है वो बॉडी में पानी को होल्ड करके रखने का होता है। और जितना ज़्यादा आप सॉल्ट खाएंगे आपके बॉडी में उतना ही ज़्यादा पानी होल्ड करके रखेगा और जिसके कारण आपका वजन भी बढ़ेगा और दूसरा जो है आपके बॉडी से उतना पानी निकलेगा नहीं जिसके कारण आपके बॉडी में ही वो सारे टॉक्सिन्स रह जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी जो है ठीक तरह से डिटॉक्सिफाई भी नहीं होगा। तो इसीलिए सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो आपको कभी हाई ब्लड प्रेशर भी होने का चांसेस नहीं रहेगा, आप मोटा भी नहीं होंगे, आपको उतना इन्फ्लेमेशन नहीं होगा क्योंकि आपके बॉडी से पानी जो है वो फ्लश आउट होता रहेगा। तो इसीलिए सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट ज़रूर करिए। साथ ही साथ आप लोग को कुछ ऐसे खाने की चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें पोटेशियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि पोटेशियम का इफेक्ट जो होता है वो सोडियम से बिल्कुल उल्टा होता है। यानी कि अगर आप पोटेशियम रिच फूड खाएंगे तो आपके शरीर से पानी फ्लश आउट करने में, टॉक्सिन्स निकालने में ज़्यादा मदद करेगा। तो पोटेशियम किस किस खाने में पाया जाता है, पोटेशियम आप लोगों को केले में मिल जाएंगे, आपको स्पिनच में या जो पालक बोलते हैं उसमें मिल जाएंगे, आपको स्क्वाश में मिल जाएगा या फिर आपको किडनी बीन्स में मिल जाएंगे। ये थोड़ा बहुत पोटेशियम आलू में भी मिलता है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो प्लीज़ आलू से थोड़ा सा परहेज करिए। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप बिल्कुल आलू खा सकते हैं। और फाइनली आपके जीवन में थोड़ा सा एक्सरसाइज इंक्लूड करिए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए लाइफ में, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग जो है वो बहुत ही सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं और घर पे ही रहते हैं और बाहर निकलते नहीं हैं, कोई खेल कूद नहीं करते हैं, ज़्यादातर टाइम टीवी में या सोशल मीडिया में, मोबाइल में, इसी में पूरा टाइम स्पेंड कर देते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत एक्टिव हो जाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जिम जाना शुरू कर दीजिए, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, जो भी आपको पसंद है वो चीज़ आप शुरू कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जब भी आप थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो आपकी बॉडी में उतना इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, जब भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो टॉक्सिन जो आपकी बॉडी में होता है वो स्टोर्ड नहीं होगा या एक्यूमुलेट नहीं होगा और वो बेहतरीन तरीके से आपके बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा। तो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम 150 मिनट से लेके 300 मिनट तक आप लोग हफ्ते में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करिए तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे डिटॉक्स डाइट आपको मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा, लेकिन ये सारे डिटॉक्स डाइट आप लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को क्या फॉलो करने की ज़रूरत है वो है थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज। ये जितने भी चीज़ मैंने अभी आपको बताया है, अगर आप लोग ये सारे चीज़ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपको कोई डिटॉक्स डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि 2-3 महीने के अंदर आप इतना अच्छा फील करने लगेंगे, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगेंगे और आपका कोई भी अगर बीमारी है या कुछ इन्फ्लेमेशन है तो आप देखेंगे कि उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार होने शुरू हो गया है। तो प्लीज़ ये सारे चीज़ फॉलो करिए, धीरे धीरे करके फॉलो करिए तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा।
तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से। मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।